हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल ते, जिसका नाम है रीत ब्लॉग। अज के दिन दे विच ही मैं अपना दूसरा ब्लॉग जिहड़ा है स्टार्ट कर रही हाँ। देखो, मेरी शिद्दत ब्लॉग बनाउंदी है ना, एक अद्धा दिन ही हुंदी है वैसे कई बार फिर मैं लेजी फील कर लैंदी हाँ तो मैं कैमरा चकदी भी नहीं, पर मैं सोचा कि अज मेरा दिल हैगा आ ते टाइम भी हैगा आ, चलो बनाउंदे हाँ। सो अज जिहड़ा आ मॉर्निंग दे विच, मॉर्निंग तो नहीं कह सकते, लंच टाइम पर असी पकौड़े बनाए सी, भल्ले बनाए सी, पूरियां बनाइया सी, चाह पीती सी। सो वो ब्लॉग जिहड़ा आ उहदा लिंक डिस्क्रिप्शन च अवेलेबल आ, इन केस तुसी उह नहीं चैकआउट किया पहला वो देखो, अगर नहीं देखिया, अगर देखिया या तो स्वागत है तुहाडा नवी वीडियो दे विच। हुण हो चुकिया आ शाम का टाइम, तो शाम नूं जिहड़ा आ असी बना रहे हाँ चाह, चाह पहला भी पीती सी पर लेकिन शाम नूं चाह जरूरी हुंदी आ ना। सो सारे जणे नहीं पीण वाले होए, मैं पी रही हाँ, मम्मा पी रहे ने, तो दर्जी पी रहे आ, बाकी सारिया ने नहीं पीनी। तो सिमी दे लई मैं बना रही हाँ ग्रीन टी, ये ग्रीन टी पीणगे तो दैट्स इट जी, चाह पीने एंड उस तो बाद देखते हैं कि चलता है। एंड बहुत सारे तुसी मैनू पूछ रहे ना मेरे स्पैक्स और मेरे लेंस के बारे, तुसी मैनू कमेंट करते रहने हो, काफ़ी जाने ने यह जानना आ कि मैं लेंस वगैरह जिहड़ा आ कि यूज़ करती हाँ, नंबर किन्ना आ, कि चीज़ बैटर आ, लेंस बैटर आ या स्पैक्स बैटर आ। थोड़ी देर दे विच मैं तुहानू ये चीज़ां दसदी हाँ, पहला चाह पी लाँ, थोड़ा माइंड फ्रैश हो जाए, फिर मैं तुहानू दसदी हाँ ये बारे भी, ठीक है। सो मेरी चाह तो इन्हों की ग्रीन टी जी रेडी आ, एंड तुसी साढ़े कप चेक कर सकते हो, ये बिल्कुल सही गल आ। सो आओ इन्हों के लिए लैके चलिए हम। हेलो सर, सर योर ग्रीन टी इज़ रेडी, सर सर योर ग्रीन टी इज़ रेडी। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। चलो हुण आपां चाह ते ग्रीन टी इंजॉय करिए। लै जाओ, लैके जानी आ। किधर चल गई? सो इवनिंग का टाइम आ, हुण थोड़ा थोड़ा नेरा भी होने लग गया। वैसे मैं तुहानू कुछ एडिशन दिखा दा, जिहड़ियां चीज़ां तुहानू एक बार पिछली वीडियो मैं दिखा नहीं पाई सी, जिहड़ियां हुण लगियां आ। सो इत्थे रुको, मैं दूसरी साइड कैमरा ऑन करके दिखाउंदी। सो आ जिहड़ियां आ भिंडियां लाइयां, वेखण लग गए, चिड़ी भी आई आ कोल, किन्नी प्यारी आ इह, डर नहीं रही हैगी बिल्कुल भी। सो आ भिंडियां लाइया आ ते उड़ गई। आ जिहड़ियां आ इह मिर्चां लगियां आ, मिर्चां दे एक दो तीन चार पंज बूटे आ, ते आ बाकी सारियां भिंडियां। ते उधर भी एक पता नहीं आ वाली जिहड़ी आ, पता नहीं कद्दू दियां तोरियां दी वेल आ शायद, ते इस साइड ते करेले भी लगे आ किते। वेल जी उधरली साइड लगी, वो काफ़ी ज़्यादा जी हो भी गई है, तो डैडी जी ने ना वो वेल दे मतलब क्योंकि वह जो बदनी आ प्रॉपरली अरेंज हो जाए वो एक चीज़ उत्ते बनाई आ, मैं तुम्हें दिखाई हाँ अपने आप, उन्होंने अपने हाथी बनाई आ, आई शो यू। और आनू मैं दिखा भुल गई, पुदीना भी लाया जोड़ा कि हले बहुत थोड़ा जहा ही होया, हौली हौली जोड़ा पूरा इतने भर जाना आ, फिर गर्मियों के चटनी खाया करा। हाँ वेखो, अंबियां भी जिहड़ियां, अंब भी मतलब काफ़ी वड्डे वड्डे सारे हो गए आ, कुछ क जिहड़ा दो दिन तो बड़ी नेरी नेरी चल रही उहदे नाल झड़ी भी जांदे आ। वेखो ये वाले जिहड़े आ, ये मम्मा कहिंदे आपां पकाउणे आ, ये पका के खावांगे, पर जिहड़े इधर लगे आ तुहानूं दिखाउंदी आ, बहुत ज़्यादा लगे इधर भी, इहनां दी जिहड़े आपां अचार पावांगे या फिर चटनी वगैरह बना लिया करांगे। आ वेखो किन्ने लगे आ इत्थे, ते उपर भी बहुत लग्या, इहदे विचों ना दिख नहीं रहा, एंगल नहीं सही आ रहा। आ देखो इधर भी लगे आ, हाँ नेड़े भी आ, देखो किन्नी ने, ते ये पूरा ट्री आ, इहदे ते उपर 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 काफ़ी सारे लगे हुए आ, एक इहदे ते आ, ते एक हैगा वा इधर वाला, आ भी तुहानूं मैं दिखाउंदी आ, इहदे उपर भी लगे आ, इहदे ते दिखाउणे मुश्किल आ, देखो आ लगे आ। इन्हों का भी जोड़ा आप इन्हों अचार भी पावे, तो नाले चटनी वगैरह के भी कम आते, ये तो मैं कोई दिख नहीं रहे है। हाँ देखो नीचे नीचे तक आए हुए आखो,
ਅਭੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਕਾਉਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲਿਫਾਫੇ ਵਗੈਰਾ ਚੜਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਵਗੈਰਾ ਆ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰੂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਕਾਉਣਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੇਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਰਾਮ ਤੋਰੀ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਬਣਾਇਆ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਵੇਟ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਤੋੜਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵਰਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਿਖਰ ਜੂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਡ ਰਹੂਗੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਲੋਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੋਰਨਿੰਗ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਮਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਮੋਰਨਿੰਗ ਉਹ ਕੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਰਾਈਸ ਤਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਚਾਵਲ ਸੋ ਚਾਵਲ ਰੈਡੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਚ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਈ ਉੱਧਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਦੇ ਆ ਸੋ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯੂਨੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਈਟਿਸ਼ ਵਾਈਟਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਆਜੋ ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਰਾਈਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਨਵੇਂ 'ਚ ਵਿਲਣਾ ਉਹਦੇ ਚਾਵਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਓਕੇ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਦੈਨ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਆ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਪੌਣੇ ਗਿਆਰਾਂ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿਉ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਆਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਆ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਬਟ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਆਈ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਆ ਲੈਫਟ ਆਈ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੈਂਸ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਡ ਆ ਮੇਰਾ ਤੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਏ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੈਂਸ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਥਲੀ ਵਾਲੇ ਲੈਂਸ ਨੇ ਮੰਥਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿਉ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਪੇਅਰ ਓਪਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪੇਅਰ ਬਚਿਆ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ 6 ਪੇਅਰ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯੂਨੋ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈਂਸ ਲਗਾਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ 40 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 30 ਡੇਜ਼ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਪੇਅਰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਸ ਆਈਜ਼ 'ਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਆ ਨਾ
मेरे हाथ बिल्कुल क्लीन ने इस वक्त, दैट इज वाई मैं तुहानूं दस रही हाँ। इदा ये होंगे आ देखो, तुहानूं मेरा लेंस दिख रहा होगा, सो इनू तुसीं पिक करना। इदा तुसीं जदों इनू अपनी आईज दे विचों रिमूव करना आ, अपने पाम ते रखोगे, पाम ते रख के दैन जिहड़ा तुहाडा बोशन लॉम दा सल्यूशन आ, लेंस सल्यूशन हुंदा, सिर्फ यही यूज़ करना, पानी बिल्कुल ना यूज़ करियो। ऑफकोर्स तुसीं जदों लेंस बाय करोगे तां तुहानूं उत्थे जिहड़े हुंदे आ डॉक्टर्स, उन्हां ने तुहानूं दस ही देना आ। सो हल्का जिहा इहदे उत्ते आ सल्यूशन आपां पावांगे, एंड इनू आपां बहुत ही लाइट हैंड दे नाल रब करांगे। इदा इदा देखो ये की है, ये उपर अगर कोई भी डर्ट वगैरह जी चिपक चिपकी होएगी और रिमूव हो जाएगी, बहुत ही लाइट हैंड के नाल रिमूव करना है। दैन अपने केस के क्लीन सल्यूशन पा के जिनी बारी तुम लेंस क्लीन करना उन्नी बारी ही तुम उस सल्यूशन चेंज करना, रिपीट नहीं करना, उन्होंने क्लीन करके अपना लेंस वापस तो केस के रख दोगे, ठीक है। एंड दैन उन्होंने प्रॉपरली जरा बंद कर देना है, ठीक है। तो यह हो गया लेंस दी, बोशन लॉम कंपनी के लेंस ने यह मेरे, बोशन लॉम या फ्रैश लुक, ये दो कंपनीज आ जिहड़ियां मैं यूज़ करती हाँ ज़्यादातर, बट मैं बोशन लॉम के थोड़े कंफर्टेबल लगते हैं, बहुत ही लाइट लगते हैं, एंड कई फील नहीं हुंदा बिल्कुल भी। एंड रही गल स्पैक्स की, स्पैक्स मेरिया अखा ने देखिया ही होनगिया तुसी मेरिया ऑलमोस्ट हर वीडियो दे विच, सो राइट एंड लैफ्ट दोनों मेरा नंबर अलग अलग है इस वक्त। अगर आप गल करते हैं कि बैटर की आ, स्पैक्स बैटर है या लेंस बैटर आ, देखो बैटर दोनों ही चीज़ा होंदियाँ आ। लेंस मैनू, मैं ये कहूँगी लेंस मेरे लिए ज़्यादा बैटर आ, बट लेंस सिर्फ मेनटेनेंस ज़्यादा मंगते हैं। अगर तुसी लेंस यूज़ करते हो तो थोड़ी जी तुहानूं हाइजीन प्रॉपर रखनी पएगी, उन्हां दी केयर ज़्यादा आ स्पैक्स नालों। एंड सैकेंडली लेंस थोड़े जे कॉस्टली भी पैंदे आ, क्योंकि स्पैक्स आपां एक बार बनवा लैंदे आ तां ओह कई वारी साल साल निकल जांदे आ, बट लेंस जिहड़े आ तुहानूं रेगूलरली परचेज करने पैंदे आ, उहनूं तुसी लॉन्ग टाइम लई यूज़ नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई लेंस कई आ, इसलिए कई लोग जिहड़े आ ओह प्रैफर नहीं करते इन्हां नूं, ते सिर्फ यही डिफरेंस आ इन्हां दोनों का। स्पैक्स जिहड़ी आ ओह इदां आ कि कई बार लेंस पाउण दा मन नहीं कर रहा हुंदा, बंदा फटाफट जिहड़ी आ स्पैक्स अपनी चकदा आ ते वेयर करके आपां चले जांदे आ, बट कितें तुसीं फंक्शनस ते जा रहे हो, कोई पार्टी आ या कितें भी इदां दी जगह जाना जिथे तुसीं स्पैक्स कैरी नहीं करना चाहुंदे, दैन तुसीं उत्थे लेंस यूज़ कर सकते हो। ते बस सिर्फ यही डिफरेंस आ दोनों दे विच, ठीक आ, कि लेंस दी जिहड़ी आ मेनटेनेंस ज़्यादा आ, स्पैक्स दी इन्नी मेनटेनेंस नहीं हैगी, सिर्फ ग्लास क्लीन करो ते तुहाडा कम चल जांदा, बट लेंस नूं प्रॉपरली क्लीन करके तुहानूं डिब्बी च पाउणा पैंदा, दैन उहदा पानी चेंज करना। अगर तुसीं 15 दिन हो गए तुहानूं तुसीं लेंस यूज़ नहीं कीते, दैन अगेन तुहानूं उहदा पानी एक बारी क्लीन करके उहनां नूं वापस तो उन्होंने रखना पेगा, क्योंकि 15 दिन तक वो एक ही पानी के सल्यूशन के पे आ, उन्होंने चेंज करके तुम इस, दैट इज़ वाई लेंस का थोड़ा टैकी हों, बट मैं दोनों ही ठीक लगते हैं। मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब न कभी स्पैक्स लगा लैनी हाँ, कभी लेंस लगा लैनी हाँ। सो य होगी मेरे लेंस के उपर वीडियो, आई थिंक बहुत आते लेंस पाने कि सारिया चीज़ा आ, ये गाइज एक सैपरेट वीडियो बनेगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये वीडियो पावा कि हाउ टू वेयर कॉन्टैक्ट लेंस, अगर तुम बिगिनर हो, अलग तो वीडियो बना दूंगी वो कमेंट करके मैनू नीचे दस दियो, अगर चाहते हो तो मैं बना दूंगी, ठीक है। सो दैट्स इट जी, ये व्लॉग हम आप इतें एंड कर दें, क्योंकि हम मैं एडिट भी करना है, तो मैं मिलती हूँ थोड़ा नैक्सट वीडियो के, जिदा कि तुम्हें दसिया अच्छ असी मॉर्निंग मार बाहर गए थे, अगले व्लॉग के यही देखने को मिलेगा पंजाब दे विच की सिचुएशन आ मार्केट वगैरह दे विच। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, सबसक्राइब कर लो जी चैनल नू, एंड डू लाइक दिस वीडियो फॉर मोर सच वीडियोज। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, डोंट फॉरगेट आवर फंडा, अ लिटल मोर काइंडनेस, अ लिटल लेस जजमेंट।